हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त छोटा सा जनरेटर जो कि बना सकते हैं आप बिल्कुल 5 से 10 रुपए में। तो दोस्तों ये हमने लगाया था अपने ट्रैक्टर डीजे पे। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है, ये जनरेटर हमने बनाया ओनली बहुत ही इजीली वेस्ट मटेरियल से हमने बनाया। आप इसको घर में बना सकते हैं और बहुत ही ईजी मेथड से मैंने आपको बनाना सिखाया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बनाना सीखें जनरेटर और ये ट्रैक्टर डीजे। आपने नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो दोस्तों चलते हैं इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया है बच्चों के जो आते हैं छोटा जैम का बॉक्स, और उसका देखिए मोटर लेंगे, एक बड़ी एक छोटी मोटर। तो देखिए दो मोटर हमने लिए हैं, ये आपको मिल जाएंगे, ये आपके घर पे भी मिल सकती हैं, आप भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से भी ले सकते हैं। और ये देखिए आउटफिटिंग वाला है हमारा, ये बिजली की जो फिटिंग के लिए वो लेते हैं हम इसको, सीट को देखिए इस तरह से वाइट सीट है ये, इसको हमने लिया है इसको बनाने के। तो सबसे पहले हम देखिए इसको कनेक्ट कर ले, सॉरी इसको हम करते हैं कटिंग, और कटिंग करके इसको दो पीसेस में हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया और इसको दो पीसेस में डिवाइड कर लिया, और इसमें लगाएंगे दूसरी साइड हम लगाएंगे बड़ी मोटर। तो सबसे पहले उसमें दोस्तों हम कर लेते हैं कनेक्शंस। देखिए दो वायर से हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे, आपका सोल्डरिंग आयरन है तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप देखिए इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। तो देखिए इसको आराम से इसको कनेक्ट हो गई वायर्स हमारी, और इस तरह से हम अपनी दूसरी छोटी मोटर में भी इन वायर्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अब इनको हम पैक कर लेते हैं, अब इसमें देखिए इसके अंदर लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी इनको पैक कर लेंगे, जिससे कि मोटर हमारी ये बाहर ना जाए। लेकिन हमने इसको पूरा ओके कर लिया, और देखिए छोटी मोटर को लगाने से पहले देखिए इसके फ्रंट पे हमने ज़्यादा बड़ा होल है तो उसके लिए कार्डबोर्ड का पीस लगाया और इसको मोटर लगा दी है, उसके बाद हम इसको पीछे से भी पैक कर देंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने बनाना सिखाया, आप बना सकते हैं घर पे, हमें मटेरियल मिल जाएंगे और बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं। छोटा सा जनरेटर वर्किंग मॉडल है दोस्तों, आप इसको ज़रूर बनाइए। और दोस्तों अब चलते हैं इस जनरेटर का बेस बनाएंगे। जो हमने सीट ली है ये देखिए वाइट कलर की, इसके नीचे का पार्ट हम काट देंगे, तो देखिए इस तरह से छोटा सा पीस दिखाई देगा, और इसके ऊपर हम अपनी दोनों मोटर जो हमने लगाई हैं इनको ग्लू गन से पेस्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने लगा दिया है एक, और दूसरी साइड भी हम इसको कनेक्ट, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम देखिए पैन का ये पीस लेंगे छोटा सा, ये दोनों मोटर के नोजल में लगा देंगे जिससे कि हमारी मोटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और एक दूसरे से हम इनको रोटेट करा पाए। तो देखिए दोस्तों ये हमने इसमें बीच में डिवाइडर लगा दिया जिससे कि हमें पता चल पाए कि ये रोटेट कर रही है। तो देखिए दूसरी साइड से भी हमने मोटर लगा दी है, अब इस दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया एक शाफ्ट बना के देखिए इस तरह से। तो दोस्तों अब इसके ऊपर हमें देखिए इंजन जैसा बनाएंगे, तो हमने शीट ले ली तो इसको एक सर्कल टाइप में एक साइड से कटिंग कर लेंगे, और उसको हम जैसे कि हमारा ये देखिए इसकी जो शेप है हमारी राउंड है तो इसको हम इसमें अच्छे से फिटिंग हो जाएगी, और ऊपर से भी इसको हम इसको पैक कर देंगे। देन इसके बाद हम देखिए इसमें साइलेंसर जो हमने बनाया है स्ट्रॉ से आप इसको बना के चिपका सकते हैं, ग्लू गन से मैंने लगाए सब चीज़ कर लिए। तो देखिए दोस्तों हमारा ये जनरेटर बन के तैयार हो गया बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसान तरीके से। आपके पास अगर कोई पीसेस नहीं है तो आप उनका कार्डबोर्ड लेके भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इस पर, अब कर लेते हैं पेंट। देखिए दोस्तों मैंने इस पर ग्रीन कलर का पेंट किया है, और आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर इस पर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, कैसा आपको जनरेटर लगा, कितना आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो दोस्तों इसको आप बनाएंगे तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप ये बनाना स्टार्ट कीजिए, और कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो दोस्तों इसको देखिए पेंट करने के बाद हम आपको ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है भाई साहब, बड़ा मज़ा आ गया मेरे को देख के। जैसे ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग इस पर अच्छी सी आ रही है, बिल्कुल जनरेटर लग रहा है, और इसको हम चेक करेंगे कि ये काम करता है भी नहीं। तो देखिए हमने इसमें बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं 3.7 वोल्ट की। ओ वाह दोस्तों देखिए ये बिल्कुल काम कर रहा है दोस्तों, इधर से आप दोनों साइड से कहीं से भी चला सकते हैं, दोनों तरफ हमने मोटर लगाई तो ये रोटेट करेगा, दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। देखिए दोस्तों ये चल रहा है, देखिए कोई फेक वीडियो नहीं है दोस्तों, पूरी तरीके से मैंने आपको दिखाया है। और वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर बनता है इस वीडियो में, अब लाइक कर दीजिए। और देखिए इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह के हमने और भी जनरेटर बनाए, तो देखिए हम इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, और बताइए आप हमें कि कौन सा जनरेटर आपको सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप यहाँ तक आए तो आपको ये जनरेटर काफ़ी अच्छा लगा है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।